पलक, हमारा नया विद्यालय तो बहुत बड़ा है। अंदर घुसते ही कितना अच्छा बगीचा है, फूल खिले हुए हैं। भैया वह देखो, सामने कक्षा है। अध्यापिका कुर्सी पर बैठी हैं, उनके सामने मेज है और पीछे दीवार पर ब्लैक बोर्ड है। उधर झूले हैं, हम छुट्टी के बाद खेलेंगे। अब जल्दी चलो, चपरासी घंटी बजा रहा है। मुझे तो अपना नया विद्यालय देखकर बहुत खुशी हो रही है। राघव और पलक ने नए विद्यालय के बारे में अपने विचार बताए। इन विचारों में अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों एवं स्थानों के नाम आए हैं, जैसे राघव, पलक, अध्यापिका, चपरासी व्यक्तियों के नाम हैं, फूल, कक्षा, कुर्सी, मेज, ब्लैकबोर्ड, दीवार, झूले, घंटी वस्तुओं के नाम हैं, विद्यालय और बगीचा स्थानों के नाम हैं। इसमें एक और नाम आया है, खुशी। यह एक भाव का नाम है। ये सभी नाम ही तो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो। स्वामी विवेकानंद भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक थे। लाल किला दिल्ली में स्थित है। हिमालय पर्वत गंगा का उद्गम स्थान है। स्वामी विवेकानंद विशेष व्यक्ति का नाम है। भारत, दिल्ली विशेष स्थानों के नाम है। लाल किला विशेष इमारत का नाम है। हिमालय विशेष पर्वत का नाम है। गंगा विशेष नदी का नाम है। ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, इमारत, पर्वत तथा नदी के नाम है। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो। उपवन फूलों से महक रहा है। मैदान में गाय और घोड़े घास खा रहे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। उपवन, मैदान स्थानों के नाम हैं। गाय, घोड़े प्राणियों के नाम हैं। फूल, मेज, पुस्तक वस्तुओं के नाम हैं। रंगीन शब्दों से स्थान, प्राणी तथा वस्तुओं का बोध हो रहा है। ये सभी किसी विशिष्ट स्थान, प्राणी तथा वस्तु की ओर संकेत नहीं कर रहे, बल्कि इनसे उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। अतः ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो। रवि का मोटापा बढ़ता जा रहा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई दुनिया में प्रसिद्ध है। दादाजी को बुढ़ापा आ गया है। मोटापा, ऊंचाई और बुढ़ापा भावों के नाम है। अतः ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा का कोई रूप, रंग या आकार नहीं होता। इन्हें हम देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, अवस्था, दशा, धर्म आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मानव, मानवता। बच्चा, बचपन। पशु, पशुता। मित्र, मित्रता। सेवक, सेवा। शत्रु, शत्रुता। माता, मातृत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अच्छा, अच्छाई। चालाक, चालाकी। सर्द, सर्दी।
भूखा भूख, कायर कायरता, बुरा बुराई, हरा हरियाली, मीठा मिठास। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्व सर्वस्व, अहं अहंकार। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, खेलना खेल। पाठ तीन, चलना संज्ञा चाल, चीखना चीख, पढ़ना पढ़ाई, उड़ना उड़ान, रोना रुलाई, लूटना लूट, हारना हार। आओ दोहराएं। व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से भी बन सकती हैं।